भारत बंद का असर ग्वालियर में भी देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया। आप कार्यकर्ताओं ने करीब आधे घंटे तक नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले के बाहर धरना दिया और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को SDM प्रदीप तोमर ने घेराव खत्म करने के लिए चेतावनी दी, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हटने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और धरना प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर पूरे देश का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस किसानों के आंदोलन को भारत बंद को समर्थन देने आया है और ग्वालियर में कृषि मंत्री जी का बंगला है, यहाँ उनका निवास है, इसलिए सांकेतिक रूप से हम शांतिपूर्ण तरीके से किसानों की आवाज को बुलंद करने आए हैं और यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, ये लोग आप पार्टी वाले माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी के बंगले के बाहर बैठ के धरना दे रहे थे। इनके द्वारा कोई परमिशन नहीं ली गई थी। हमने इनको सूचित किया कि भाई आप लोग यहाँ से उठ जाएं, उठे नहीं, फिर इन्होंने गिरफ्तारी दी और गिरफ्तार कर दिया। जो कृषि कानून में परिवर्तन हुआ है उसके विरोध में आम आदमी पार्टी के कुछ लोग माननीय कृषि मंत्री जी के बंगले के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। उनकी गिरफ्तार